गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण में करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है संधि। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संधि क्या है। संधि दो वर्णों के मेल या दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार है जो शब्द में होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि संधि में जो दो शब्द आपस में मिलते हैं उसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, विकार का अर्थ है परिवर्तन, जो परिवर्तन शब्द में होता है वो संधि कहलाता है। अब है संधि विच्छेद। जो संधि युक्त शब्द होते हैं उनको पहले वाली स्थिति में लेके आना, जैसे संधि करके जो एक नया शब्द बना है उस शब्द को दोबारा से उन दोनों शब्दों में ही बदलना, वो कहलाता है संधि विच्छेद। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों संधियों में किस तरह से मेल होता है। स्वर संधि में दो स्वर आपस में मिलते हैं, मतलब स्वर का स्वर से मेल होता है, जैसे महा प्लस आत्मा बना है शब्द महात्मा। इसमें दो स्वर मिले हैं, महा का आ, जो आ की मात्रा लगी है आ, और आत्मा में से पहला अक्षर लेंगे आ। इन दोनों के मिलने से बना आ, तो शब्द बन गया महात्मा। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में तीन प्रकार से मेल होते हैं, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से तथा व्यंजन का स्वर से। स्वर का व्यंजन का मतलब पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन। इसमें व्यंजन और स्वर की पहचान ये है बेटा कि व्यंजन जितने भी होंगे उनके नीचे हलंत लगा हुआ होगा और स्वर में हलंत नहीं होगा। मतलब कि जैसे बाजार, तो रा है जो उसमें अस्वर सुनाई दे रहा है इसलिए इसमें हलंत नहीं है, और अगर इसके नीचे हलंत लगा दिया जाए तो मतलब ये होता है कि इसमें से अ अलग हो गया है। ठीक है, इनके उदाहरण देखते हैं, वाक प्लस ईश। अब देखो यहाँ पर क के नीचे हलंत लग रहा है तो यहाँ व्यंजन है, और ईश का लेते हैं ई, तो इसमें ई जो है वो स्वर है, तो क और ई मिलकर बनता है ग, तो जो शब्द हो गया वो रहा बागीश। ये तो है व्यंजन का स्वर से मेल। अब आगे देखो, उत प्लस श्वास, इसमें त और श आपस में मिले हैं, तो जब त और श आपस में मिलते हैं तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है, तो बन गया उच्छ्वास। अब आता है विसर्ग संधि। बेटा व्यंजन संधि के नियम हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, जैसे अंतर प्लस करण, तो र व्यंजन है और करण, इसमें विसर्ग लग जाएगा बीच में तो वो र जो है वो विसर्ग में बदल जाएगा, तो वो हो जाएगा अंतःकरण। निह प्लस छल, तो जो विसर्ग है वो र रेफ में बदलेगा तो निर्झर शब्द बन जाएगा। इसके नियम भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जो नियम पढ़ेंगे वो स्वर संधि में पढ़ेंगे। बेटा स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। आज हम केवल दो प्रकार पढ़ेंगे इसके, दीर्घ संधि और गुण संधि।
सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में दो समान स्वर आपस में मिलते हैं। समान स्वर का मतलब है जैसे छोटा आ और बड़ा आ, ये समान है। छोटी ई बड़ी ई, ये समान है। छोटा उ बड़ा उ, ये समान है। ठीक है, तो दीर्घ संधि में ये आपस में मिलते हैं और इन दोनों इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वो दीर्घ स्वर में होता है, मतलब उसी के ही दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हम पढ़ चुके हैं, जैसे अ ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है, तो इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो आ में होगा। ठीक है, अब देखो जैसे उदाहरण लेते हैं, सत्य प्लस अर्थ, यहाँ पर य में से अ और अर्थ का अ, ये दो मिल रहे हैं, छोटा अ और छोटा अ, तो इन दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर में परिवर्तन होगा तो बनेगा बड़ा आ। तो जो शब्द बनेगा दोनों के मिलने से वो है सत्यार्थ। इसी तरह से रत्न प्लस आकर, तो अ प्लस आ मिला है इसमें तो बना है रत्नाकर, क्योंकि दीर्घ स्वर बनेगा। इसी तरह से ई का देखो, रवि प्लस इंद्र, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर बने बड़ी ई, तो शब्द बन गया रविंद्र। नारी प्लस ईश्वर, नारी का बड़ी ई और ईश्वर का बड़ी ई, तो ये बन गया नारीश्वर। मेरा इतना याद रखना कि अगर लास्ट में, पहले शब्द के लास्ट में कोई मात्रा लगी हुई है तो उसका आखिरी वर्ण वही अक्षर होगा जिसकी वो मात्रा लगी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब ऊ का देखो, अनु प्लस उदित, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो बना अनुदित। अनुदित, भूर प्लस ऊर्ध, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बन गया भूर्ध। अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण होगा वो होगा अ या फिर आ, छोटा अ या बड़ा अ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ और री ऋषि, इनमें से कोई भी हो। तो देखो जब मेल में आपस में होगा तो क्या परिवर्तन होंगे, जब छोटा आ और बड़ा आ छोटी ई या बड़ी ई से मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो होगा छोटी ए में। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब ये किसी छोटा बड़ा से मिलेंगे तो परिवर्तन होगा छोटे ओ के रूप में, और री ऋषि के साथ मिलने पर परिवर्तन होगा अर। अब देखो बेटा, अर रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो जो जब रा के नीचे हलंत होता है तो रा रेफ बन जाता है, मतलब कि रा ऊपर उड़ा देते हैं। ठीक है, तो अ आ प्लस छोटी ई बड़ी ई बन गया ए, छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बना ओ, छोटा आ बड़ा आ और री ऋषि को मिलाकर बनेगा अर। अब इनके उदाहरण देख लो आप लोग, भारत प्लस इंदु, अ प्लस छोटा अ प्लस छोटी ई, ये बनेगा अ, तो भारत में से अ हटा देंगे तो ता के नीचे हलंत लग जाएगा और ई हटा देंगे तो जो शब्द रह जाएगा वो छोटी अंक की बिंदी और दू। ठीक है, तो अ और ई मिलकर ए बना, तो ए की जो मात्रा लगेगी वो त पर लगेगी, तो शब्द बन जाएगा भारतेंदु। आगे इसी तरह से देखेंगे, परम प्लस ईश्वर, अ प्लस ई बड़ी ई, वो भी मिलकर बनेगा ए, तो इसमें भी म में से अ हटा लो तो म के नीचे हलंत लग जाएगा और बड़ी ई, छोटा अ और बड़ी ई मिलकर बनेगा ए, और ये ए की मात्रा लग जाएगी म पर, तो बन जाएगा परमेश्वर, तो क्योंकि ई नीचे आ गया वो स्वर रह जाएगा। इसी तरह से वीर प्लस उचित, शब्द बनेगा वीरोचित, और गंगा प्लस उर्मी बनेगा
गंगोर में। महा प्लस ऋषि ये बन जाएगा महर्षि, या देव प्लस ऋषि देवर्षि। इस तरह से दीर्घ संधि और गुण संधि और तीनों संधियों में किस तरह के उदाहरण हैं या किस तरह के परिवर्तन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका होमवर्क है संधि, संधि विच्छेद, इनकी परिभाषाएं लिखनी है आपको, संधि के प्रकार लिखने हैं, उदाहरण लिखने उनके, और स्वर संधि के प्रकार तो पूरे नाम लिखने हैं, लेकिन दीर्घ संधि और गुण संधि के नियम और उनके उदाहरण आपको लिखने हैं।